this section is about the, the risk exposure. so basically when we want to define the concept of risk, risk exposure, it indicates or it is a measure of the potential future loss that one can incur if they go for any financial activity. so koi ek financial activity, for example, kisi ne koi bonds, उसका क्या पोटेंशियल फ्यूचर लॉस हो सकता है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के परफॉर्म करने से या वो स्पेसिफिक तरह के बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ को ख़रीदने से दैट इज मेंट बाय दैट इंडिकेट्स द रिस्क एक्सपोयर सो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैव डिफरेंट रिस्क एक्सपोजर्स सो कोई ऐसे रिस्की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका रिस्क रिस्क एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है कोई ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ रिस्क एक्सपोजर बहुत कम है या ना होने के बराबर होता है तो बेसिकली इन्वेस्टर्स जो हैं या फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं या एडवाइजर्स होते हैं वो फाइनेंशियल एक्सपोजर को भी कंसिडर करते हैं वेन दे डिसाइड कि हमें किस किस्म की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में अपने पैसे या अपने क्लाइंट के पैसे इन्वेस्ट करने हैं दे हैव देयरफॉर

उसको नापने का वो क्या है कि किसी भी इवेंट के अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी को आप उससे क्या पॉसिबल नुकसान हो सकता है या नफ़ा हो सकता है उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को जो कि आपको पता है ज़ीरो और वन के दरमियान में हो सकती है उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को आप उस पर्टिकुलर नुकसान या नफ़े की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वहाँ से आपको पता चल जाता है कि रिस, रिस्क एक्सपोजर इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का क्या लेवल है राइट right? उसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के द रिस्ट ऑफ एन ऑफ एन एसेट और इट मीनस दैट आप अगर किसी बाकी के सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में क्या अप्स एंड डाउन हो रही हैं और उनकी क्या ट्रेंड एनालिसिस है और उनकी वैल्यूज किस तरह से ऊपर या नीचे जा रही हैं उसको देखे के बगैर और जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको देखे के बगैर आप आइसोलेशन में नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का रिस्क एक्सपोजर हाई है या वीक है सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको रिस्क एक्सपोजर के बारे में बेहतर और कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज़ा लगाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन चाहिए उसके जो भी उस पर्टिकुलर जो आपने स्टॉक में फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस कंपनी के जो डिटेल्स हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स इन पर्टिकुलर और जो भी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है इन तमाम चीज़ों को भी कंसिडर करना पड़ेगा जब आप रिस्क एक्सपोजर का अंदाजा लगा रहे हैं सो इट्स नॉट जस्ट सिंपली लुकिंग एट द नंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस टू हैव एन आइडिया कि ये रिस्की है या नहीं है या इसका रिस्क एक्सपोजर कम है या ज़्यादा है सो इसको एक कॉम्प्रिहेंसिवली इसको देखने की जरूरत है द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दर दर्चेज ऑफ सेल ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट मे एड टू योर रिस्क एक्सपोयर और इट मे रिड्यूज द रिस्क एक्सपोयर सो इट इज नॉट ऑलवेज इसेंशल कि जब आप कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपका रिस्क एक्सपोजर को बढ़ा ही देती है समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपने नई इन्वेस्टमेंट की है कोई नए शेयर्स बाय किए हैं तो आपका रिस्क एक्सपोजर बढ़ सकता है या कम हो सकता है इट डिपेंड्स अपॉन हाउ दैट पर्टिकुलर शेयर इज बिहेविंग इन द फाइनेंशियल मार्केट या उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट उस वक्त क्या है नाउ वी हैव गॉट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन द फाइनेंशियल मार्केट्स जिनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज स्पेकुलेटर्स एंड हैजर्स सो स्पेकुलेटर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इस तरह के पोजीशंस लेते हैं इस तरह के डिसीशंस लेते हैं इस तरह की सेल और परचेज करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जिससे उनकी एक्सपोजर टू रिस्क इंक्रीज कर जाए राइट right? और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि क्यों ज्यादा रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है मगर हम फिर भी क्यों लेना चाहते हैं और स्पेकुलेटर्स मैंने आपको कहा हमेशा ऐसे पोजिशन लेते हैं ऐसे फैसले लेते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जिससे उनकी जो रिस्क एक्सपोजर है वो इंक्रीज कर जाती है तो रिस्क एक्सपोजर को इंक्रीज करना क्यों चाह रहे हैं बिकॉज रिस्क हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद रिटर्न आप हाई रिटर्न नहीं ले सकते उस शकद सकत तक जब तक कि हाई लेवल ऑफ रिस्क नहीं लेंगे तो स्पेकुलेटर्स और हेजर्स दो मेन कैरेक्टर्स हैं जिनमें जिनके जिन के अंदर आप यह क्लासिफिकेशंस हैं जिनमें आप तमाम फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं स्पेकुलेटर्स उन लोगों को कहा जाता है वो वो टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस तरह के पोजीशंस लेते हैं जिससे रिस्क एक्सपोजर इंक्रीज कर जाए हाव जो मैंने अभी दूसरी आपको क्लासीफिकेशन बताई है हेजर्स की वो इस तरह की पोजिशन लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट में ये इस तरह के फैसले करते हैं इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जिसके थ्रू रिस्क एक्सपोजर काम हो तो वी विल सी दैट दीज टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन आ फाइनेंशियल मार्केट और अगैन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट इसेंशियल और नेसेसरी के जो स्पेक्यूलेटर है वो हमेशा थ्रू आउट स्पेक्यूलेटर ही रहेगा वो हैजर नहीं बन सकता देर कैन बी सिचुएशंस जिसमें स्पेकुलेटर ही हैजर बन जाता है यानी कि वो इस तरह के फैसले करेगा जहाँ रिस्क टॉलरेंस को कम करेंगे तो वो हैजिंग कर है और जहाँ इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जहाँ रिस्क टॉलरेंस बढ़ गई है या उस ज़्यादा रिस्की एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पोजिशन ले रहे हैं वो तो वहाँ वो स्पेकुलेटर्स बन गए हैं तो सिंगल इन्वेस्टर कैन बी आ स्पेकुलेटर एज वेल एज आजर मगर ये दोनों रोल्स डिफरेंट है ऑपोजिट टू ईच अदर हैं देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्पेकुलेटर का बिहेवियर क्या है रिस्क टॉलरेंस के लिए और हेजर का बिहेवियर क्या है रिस्क टॉलरेंस के लिए एक इंक्रीज कर रहा है रिस्क टॉलरेंस को और एक डिक्रीज कर रहा है सो दिस इज रिस्क का जो एक्सपोजर है रिस्क टॉलरेंस इज ऑपोजिट टू रिस्क एक्सपोजर सो इफ रिस्क एक्सपोजर इज इंक्रीजिंग दैट इज बीइंग डन बाय द स्पेकुलेटर्स If risk exposure is decreasing, then we are talking about the hedgers.